ओम नमः शिवाय। दोस्तों नाग पंचमी की आप लोगों को शुभकामनाएं। दोस्तों इस समय बाबा बिलखननाथ धाम में हूँ। देखते आपको दिखाए थे आपको नया तरीका, ये रेलिंग जो है अब रहती है, आप मत्था नहीं टेक सकते और मत्था टेकने के लिए आपको ऐसी परिस्थिति में आना पड़ेगा जब बाबा जी खुलते हैं। तो मैं आज नागपंचमी के दिन मेरा प्रण था कि बाबा जी का मत्था टेकूँगा, तो जब ये खुले तो मैं आया हूँ। अब आपके बाबा जी के आशीर्वाद से, बाबा जी के आशीर्वाद से कोई पुलिस भी नहीं है, बाबा जी चले। ये देखिए बाबा जी भैया। अब देखिए बाबा बिलखननाथ की कृपा आप पर बन जाए तो आपके घर की सारी सुख दुख दूर हो जाते हैं। दरिद्रता पुश्तों में आपका पता नहीं ढूंढ पाएगी और सुख समृद्धि आपके घर पे आएगी। तो देखिए हम मत्था टेकेंगे बाबा जी का। बाबा जी टेक सकते हैं बस क्या? चलिए जय बाबा। दोस्तों ये मेरा सौभाग्य था कि ऐसा और भी बहुत सारे लोग आए हैं। मेरे YouTube चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका वीडियो है, इसके पहले भी है। पैर पता है? अच्छा, देखिए लोग दर्शन करने का। ये विशेष दर्शन है दोस्तों, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर सब कुछ जो सरकारी नियम है उसी हिसाब से हो रहा है। घंटे नहीं आप बजा सकते और भी जो भी सरकार के गाइडलाइन है। देखिए आपको यहाँ पर गोले भी मिलेंगे, जो भी भक्त आएंगे वो गोले में ही खड़े होते हैं और मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। सभी मास्क और सैनिटाइजर सैनिटाइज होकर अंदर आएंगे, आप कोई भी घंटा छू नहीं सकता है, ठीक है। और इतना पवित्र और निर्मल यहाँ वातावरण है, यहाँ आने के बाद आपकी सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम्स सब दूर हो जाती हैं। ये नंदी बाबा, अभी चूंकि ये देखो मेरा बैग होते होते एक कुत्ता भी दब गया था, तो लगता है अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके थैंक यू। देखिए दोस्तों अभी रात हो गई है लेकिन आप देखेंगे कि हाँ आने वाले अभी यहाँ पर देख रहे हैं जो श्रद्धालु हैं। इतनी रात हो गई है नाग पंचमी की, लेकिन यहाँ पर आपको देखेंगे तो अभी भी लोग आ रहे हैं। और सभी देखिए अपने जो गाइडलाइंस हैं उसको पालन करते हुए, जो भी गाइडलाइंस है देखिए मास्क से और आगे जाएंगे तो इनको और भी लोग हैं। देखिए पीछे गाड़ी में
तो ये आपको पता ही, ये प्रांगण है पूरा। रात का समय है क्योंकि हम स्पेशल आशीर्वाद लेने आए थे, तो इस समय मुझे रात में आना पड़ा, नहीं तो दिन में तो मतलब जो स्पेशल आशीर्वाद है वो नहीं मिलता। तो ये बाबा बिलखननाथ धाम की कोर कमेटी है, वहाँ पर वहाँ कुछ लोग बैठे हुए, देखिए यहाँ विश्राम स्थल है।